हाय गाइस, तो मैं कौन नई वीडियो लेके आ गया हूँ। और इस बार हम लोग उतरे हैं पोचिंग की में। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या मिलता है हम लोग को। ये मैच बहुत अजीब सा होने वाला है बाय द वे, क्योंकि हमें समझ नहीं आया इसमें ओपोनेंट्स मतलब रियल प्लेयर हैं या बॉट्स हैं। मतलब लिटरली सारे ही, आप देख रहे हो एशिया सर्वर एस टीयर में मैच चल रहा है, 20 MS आ रहा है मेरा, लेकिन तब भी प्लेयर जो मिल रहे हैं वो अजीब से ही हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लूटने के बाद ना मुझे आवाज़ आई कि एक बंदा अभी जाके लैंड किया है। मतलब अभी हमने एक उतरा घर हूँ। लूट लिया, उसके बाद बंदा लैंड किया है। मैं तुरंत भाग रहा हूँ, भाई कहाँ पे है, तो जल्दी एक किल दे दे मेरे को फ्री की। तो ये भाग रहा है इधर नमूना, इसको हम लोगों ने मार दिया और मेरे टीममेट ने आके फिनिश कर दिया। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि क्या यार मैं करना है आता अभी हूँ हम लोग। हाँ, तुम्हारे फटाफट लूटते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे मेन स्क्वाड से फाइट लेने। तो यहाँ पे जो सिक्स पैक है, यहाँ पे हम लोग को दिखेगी एक स्क्वाड। यहाँ पे दो बंदे ऐसे ही पता नहीं क्या TPP ले रहे हैं। देखो इस बंदे को लग रहा है कहीं से रियल प्लेयर हो सकता है। तो ये दोनों इसके स्क्वाड वालों को मेरे टीममेट्स ने मार दिया, तो ये लोग भी वाइप हो चुके हैं। और फिर यहाँ पे चल रहा था, हम लोग बॉट लूट ही रहे होंगे, थे। बहुत उसके बॉट बाद मिल यहाँ गए पे मैंने देखना, अभी। अभी सबसे खतरनाक सीन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एक कार आई है, ये बंदे पता नहीं कहाँ से भागते हैं। मतलब कोशिश ही इतना लेट आए, पता नहीं क्या करना है, मुझे नहीं पता। तो मैंने यहाँ पे इनके ऊपर तीन से बंदे भाग नॉक रहे कर हैं दिए, वहां और पर इनका एक बंदा पता एक्स्ट्रा नहीं कहाँ टोकन था, बोल के आगे भाग गया जाना होगा ठीक पता है। नहीं। लेकिन कोई रिवाइव नहीं दे रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे TPP वगैरह लेने लगा कि सामने कोई दिखे। सामने वाली बिल्डिंग में दिख रहे हैं मुझे बंदे, लेकिन मेरे पास नेट वगैरह नहीं है। तो मैं सोचा भाई सामने जो इनको नॉक किया इनमें देख लेते, एक आध को फिनिश कर पाए तो फालतू रिवाइव हो जाएंगे, तो अपनी किल चली जाएगी। तो यहाँ पे इनको दो को फिनिश किया, तीसरा मेरे को दिख नहीं रहा था, वो शायद बाद में अपने आप फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही खतरनाक कॉमिकल सीन होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आया, मेरे को सामने बंदे दिख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा हिट किया, इधर थोड़ा हिट किया, अभी तक मुझे कहीं से किसी ने नहीं मारा है, ठीक है। और अभी देखो क्या हो रहा है, ये बंदा भाई यहाँ पे बैठा हुआ है इतनी देर से, मुझे पता भी नहीं यहाँ पे कौन बंदा। तो अच्छा हुआ मेरे टीममेट पास में थे, तो इसको मार दिया। और ये बंदा मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया ये कैसे मार रहा था, ये टैप फायर कर रहा था, बॉट भी नहीं था लेकिन ये टैप फायर कर रहा था, मुझे नहीं समझ आया क्या ये। तो इसके बाद हम लोग निकले यहाँ पे, फिर देखो एक कैंप पर मिला मुझे, वहाँ से सब क्लियर करने के बाद ये आखिरी बंदा था शायद जहाँ पे हम लोगों ने तीन नॉक किए थे। मैं तो वो नीचे सब घूम रहा करने है के बाद हम लोग आए, दो क्या फ्लेयर चली बात थी यहाँ पे। तो ये फ्लेयर चली थी मतलब बहुत ही दूर, ये कामेश ठीक की है साइड आई गेस चली थी। मरने का ये तो हम लोग ने सोचा यहाँ पे बंदे तो मिल नहीं रहे हैं, तो कामेश की साइड ही आ जाते हैं यहाँ पे। तो कामेश की साइड आए, अब फ्लेयर को मैं देखा और एक बंदा नहीं दिख रहा फ्लेयर पे, और वहाँ पे कार। अब इस बंदे को देखो यहाँ पे लेट गया है, मतलब क्या, कोई मार क्यों देगा क्यों एक्स्ट्रा। लेटे हो भाई यहाँ पे। ठीक अरे है, इसको फिनिश किया हम लोगों ने। अब मुझे कोई दिख नहीं रहा, तो मुझे लगा कि हो सकता है ये प्लेयर अपनी टीम से अलग आके फ्लेयर चलाया हो, तो ये कैम्प कर रहा था पीजी फ्लेयर तो को, तो नहीं है हमने ना मार यहाँ दिया। पर, तो अब तो मैं सोचा बॉट लग सीधे भाई सकता फ्लेयर है। पे चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा एक बार चेक कर लिया कि कोई और सांप वगैरह तो नहीं तो है। ये एक ही बंदे ने दो प्लेयर तो मंगाई क्या? देखो आप चलते हैं फ्लेयर पे। हाँ टीम से दूर आके पता नहीं। फ्लेयर से भाई मुझे मिल गई M249, ये अपनी CQC के लिए फेवरेट गन है भाई। ये मिल फ्लेयर जाती है चली तो गई, मतलब लगता है चलाई कि सब किसी ने, कुछ इजी हो गया, घर वर कुछ आराम जमीन से पर होगा। गिर फिर गई वो। यहाँ पे मेरे को मिल गई ओम। तो मतलब मेरा जो बेस्ट और पीछे कॉम्बो है, बंदे जो भी, मुझे लगता है इस गेम में बेस्ट कॉम्बो है, पीछे भी है आगे वो भी है है। M249 विद ध्यान से चूज AW। करना, अब यहाँ पे हम लोग थे ना, तो सामने ये से एक शॉट बंदा था। फायर करने लगा भाई। तो मतलब वो बंदा दूसरा था, ये बंदा दूसरा था, या फिर हो सकता है इसी का टीममेट हो, आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ पे मैंने स्मोक कर दिया, कहीं और जना पड़े। उतने में शाइनी ने उस बंदे को मार दिया जो बंदा हम लोग को फायर कर रहा था हम लोग के ऊपर। बंदे तो ने अपनी फिर वो सब होने के बाद हम लोग यासनाया में आ गए, यहाँ पे देख रहे थे बंदे मिले। उतने में एक US जा रही थी यहाँ से, तो उसको शॉट्स नहीं लगे मेरे M249 के। फिर मैंने सोचा ओम का मारेंगे भाई, ये भी नहीं लगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा ना ये सही सा शॉट लग गया था, यहाँ पे जा रहे वो पहली लोग बार सीधे पे सीधे, बेचारे ने सोचा भी नहीं होगा उसके साथ ये होगा, और उसको लगा सीधे ओम का फटका, तो बेचारा क्या नॉक हो गया। कार में दिया। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे स्काउट कर रहा हूँ। अब इस मोमेंट पे ना जैसे बंदे जिस तरह से खेल रहे हैं, उतने मेरे अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि भाई मैं ओपन में भी खड़ा रहूँगा, कुछ भी नहीं होने वाला मेरे है। को चाहिए और अपने पास M249 और AWM है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट को 6x दे रहा हूँ कि भाई तू ले जल्दी। तो फिर हम लोग को ना फिर लेफ्ट से शॉट्स आएंगे अभी मेरे टीममेट को, वो बोलेगा भाई वहाँ पे बंदे हैं, तो अभी बोलने वाला होगा मेरे कि को गेस मारना। हाँ शॉट्स आ हाँ चुके हैं। टेंट पर तो मैं मेरे देख रहा नीचे हूँ यहाँ पे, खड़ा देखो साहब ऐसे ही खड़े हुए ऊपर, मैं तो उसको एक हेड शॉट दिया। अब काफ़ी सारे तो ऑब्वियसली कवर ले लीजिए भाई, और चल रही सामने से। पत्थर के पीछे वैसे एक चलते हैं बंदा यार, था। सीधे रश करते हैं। वो लोग जोन के बाहर भी थे, लेकिन अंदर से चुल मच रही थी कि भाई ये लॉबी ऐसी है, इधर चलना है।
फिर से एक बंदे ने पिक किया, फिर से एक और हेड शॉट दे दिया। तो मतलब एक के बाद एक ये सारे नॉक हो ही जा रहे थे, तो मैं चलते गया। अब मुझे था कि भाई जल्दी पहुंचना है, मेरे टीममेट पहुंच गए तो वो किल ले लेंगे। मुझे लेकिन पूरा भरोसा था कि सामने वाले तो हमारे टीममेट को नहीं मार पाएंगे, तो मैं जल्दी से एक नेड खोलूंगा यहाँ पे और नेड फेंकने का ट्राई करूंगा कि शायद नेड से ही फट जाए सारे। लेकिन नेड आई गेस किसी को नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा आगे गिर जाएगा या साइड में गिर जाएगा, पता नहीं। हाँ आगे गिर गया, पहुँचा ही नहीं भाई नेड तो। उसके बाद यहाँ पे एक बंदा दिखा, उसको कुछ ज़्यादा ही गोलियाँ, उसके लिए 70 गोलियों से आगे बना, ये बंदा नॉक हुआ 70 गोलियों में जाके, सांप था। तो फिर इसको मैं पहले फिनिश करूँगा, फिर मैं यहाँ पर फोन एक बार रीलोड कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग शूट वगैरह कर रहे थे हमारे ऊपर। तो अब मुझे चाहिए कि भाई सारी किल मिलनी चाहिए, टीममेट्स को किल नहीं देनी, ठीक है। तो मैं भाग रहा हूँ यहाँ पे, ये बंदा एक सांप देखा, इसको नॉक किया, फिर लास्ट सांप देखा, ये भी फिनिश हो गया। तो इसके बाद हम लोग निकल गए वापस यसनाया। यसनाया में यहाँ पे रुके, तो पहली बार मतलब पूरे गेम में ऐसा हुआ कि किसी ने गन से शॉट मारे मेरे ऊपर, जितने में कवर फायर आया शाइनी का, तो वो भी नॉक हो गया। तो मैं यहाँ पे पहले फटाफट जल्दी से हील करता हूँ और देखते हैं कितने बंदे हैं। पूरी स्क्वाड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जितना याद है पूरी स्क्वाड नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे गया, उतने में मेरे को आएंगे बाहर से फुटस्टेप्स, यहाँ पे दिखा ये बंदा, इससे एक दो मारे लेकिन नहीं लगता है, यहाँ पे खड़ा है। तो इसको भाई ऐसे ही ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, बंदा नहीं है ये, बंदी है प्राची यार। ओके अभी मैंने नोटिस करा। तो फिर ये सब क्लियर होने के बाद मैं आ गया यहाँ पे एक यसनाया पोलियाना के अपार्टमेंट की छत पे। यहाँ पे एक बंदा दिखा, मैं देख रहा हूँ एक क्या करना चाह रहा है पहले। तो फिर उसके बाद शॉट लिया और एक घटिया सा मेरी स्नाइपिंग देख लो, फिर मैं एक और शॉट लूँगा, ये भी घटिया सा, लेकिन नहीं ये लग गया भाई, क्या बात है। उसके बाद यहाँ पे वो भी मेरे को ट्राई कर रहे हैं मारने का, और इतने में मेरे टीममेट्स के ऊपर आ गई कार, और मुझे पता नहीं चला मैंने उस बंदे को मार चुका। मुझे लगा मेरा दूसरा शॉट नहीं लगा है, तो मैं अभी भी उसी को देख रहा हूँ भाई कहाँ पर गया कहाँ पर गया। फिर मैं देखा अरे मेरे 15 किलो गए, मतलब वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचे थे कितने, 5 बंदे, मतलब 3 हम लोग, 2 हमारे हमारे अलावा। उसके बाद हम लोग यहीं पे घूम रहे हैं, एक बंदे को मेरे टीममेट ने बीच में मार दिया, मैं ढूंढ रहा हूँ शायद मिल जाए, मेरा 1 किलो और बढ़ जाएगा। उतने में भाई ऐसा नमूना था ना, वो जोन से मर गया, मतलब क्या चल रहा है यार, कैसी लॉबी थी मुझे समझ ही नहीं आया। इससे इजी लॉबी आज तक नहीं आई भाई, ऐसा लग रहा है। इसमें जितने बंदे मिल जाते ना उतने मार देते, मतलब 50 भी मिल जाते तो 50 टीम किल हो जाते। तो गाइज अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दो जो भी नए देख रहे हैं।